प्यारी अम्मी, सोचती होंगी कि खत इस जमाने में क्यों लिख रही। बस देख लें, शायद लिखते हुए मैं अपनी फीलिंग ज्यादा बेहतर एक्सप्रेस कर सकती हूँ। और मैं आपको कॉल पर कैसे बताती हूँ उस ढेर सारे प्यार के बारे में जो मैं सिर्फ आपके लिए फील करती हूँ। थैंक यू सो मच अम्मी, उस सब के लिए जो आपने मुझे सिखाया। शादी के बाद सब कुछ ठीक ही है यहाँ। मैंने सोचा था बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होंगे, मगर सब इतने अच्छे और इतने वेलकमिंग थे कि घर और ससुराल में फर्क ही नहीं लगा इतना। दोस्त भी आते रहे, शादी की यादें इधर और शादी से पहले की बातें उधर। अभी की ही तो बात है कि मैं मायों में थी, और ये देखें अब मैं किसी और के घर हूं। मैंने सोचा कि सेटल होने के लिए अपनी चीजों को ही इधर से उधर सेट करती थी, तो फिर ऐसे अपने कपड़े सेट करने के लिए बैठी थी कि तैमूर आ गए, मेरे साथ बैठ गए और कहने लगे कि वो मेरी मदद करना चाहते हैं। अम्मी, पहले तो मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन उनको कपड़े तय करते हुए देखकर मेरा दिल थम सा गया। ईद में कुछ ही दिन रह गए थे, मैंने सोचा डिसाइड ही कर लूं कि क्या पहनूंगी डिनर पर। आपके बगैर बहुत अजीब लग रहा था, फिर आप ही आई। उन्होंने मुझे अपना हाथ दिया और कहा कि वो हैं तो किस चीज की परेशानी। लगता है मैं ही उनसे कुछ डरती थी। कुछ ही दिन में उस घर में जहां मैं एक अजनबी थी, वहां घर की बेटी बन गई। जो दूरियां महसूस हुई थी सब बदलते मौसम के बादलों की तरह बरस गई, और अब ऐसा लगता है कि हमेशा से जानती हूँ उन सबको। तैमूर तो आपका बहुत पूछते हैं, मैं भी बहुत याद करती हूँ आपको, मगर वही बात जो आपने मुझसे कभी की थी वही दिल को सुकून देती है कि घर कोई भी चार दीवारी नहीं, मगर उस जमीन पे बने रिश्तों से बनता है।